कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड्रॉइड होता है, iOS होता है. एंड्रॉइड iOS जो है वो हमारे फ़ोन के हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कराने में मदद करता है. एंड्रॉइड जैसे हम लोग कैमरा ऑन किया, कैमरा कैप ऑन किया, कैमरा कैसे चलने लगता है? हम कोई ऑडियो प्ले कर रहे, वीडियो प्ले कर रहे, तो साउंड स्पीकर कैसे चलने लगता है? ये कम्युनिकेट कराता है हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये किसका है? ये विंडोज़ का है. कौन सी कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाती है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसा कर मल्टीनेशनल कंपनी जो सॉफ्टवेयर ही बनाती है, क्या सॉफ्टवेयर ही बनाती है. और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हैं. अब ये जो विंडोज़ है ये इसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन या होम स्क्रीन. और निकालना है क्या? ये डेस्कटॉप स्क्रीन या होम स्क्रीन बोलते हैं. जैसे हम एक आदमी बहुत अच्छा है, फिट है, हेल्दी है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी हेल्दी, डॉक्टर बोल रहे हैं हेल्दी है, तो लेकिन वो एक अच्छा इंसान बने इसकी क्या गारंटी? तो ये कैसे बनेगा? हाँ, उसकी अच्छी तरबियत करेंगे, उसकी अच्छी परवरिश करेंगे, तो अच्छा इंसान बनेगा. अच्छा इंसान बनना वो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है. इसी तरह कंप्यूटर हार्डवेयर एक होता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है. कंप्यूटर हार्डवेयर जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी, उसके मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड है, फिर आपका माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर, ये सारा चीज़ हार्डवेयर की है. हार्डवेयर से मतलब पैर हाथ से तो इंसान बन गया. अब वो कंप्यूटर जब तैयार हो गया उसका बिहेवियर कैसा, वो काम कैसे करता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करता है, कितना क्विक काम कर रहा है, क्या कैसा डिसीजन दे पा रहा है. फिर बोलते हैं किसी इंसान को आप स्मार्ट कैसे बोलिए, उसका वैसा आउटपुट जब आएगा, उसका वैसा रिस्पॉन्स जब आएगा तब वो होगा. उसी तरीके से क्या है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो तरबियत करने से आता है. यानी कि आम इंसान है, आम इंसान के पीछे जब लग करके जब लोग मेहनत करते हैं पढ़ाना लिखाना और अच्छी तरबियत देना, तो उसके अंदर एक चीज़ बिल्डअप होता है. उसी तरह एक कंप्यूटर का हार्डवेयर तैयार है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पे मेहनत करता है और उसको सॉफ्टवेयर बनाता है ताकि कंप्यूटर का बिहेवियर सही हो पाए और आपके काम में मदद कर पाए. बहुत सारे अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए. मिसाल के तौर पर हमको कोई जैसे आप उसमें इमेजेस रख सकते हो, डॉक्यूमेंट रख सकते हो, फाइल्स रख सकते हो, ठीक है, वीडियोस रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ रख सकते हो, ठीक है. अब जैसे मान लीजिए हमको इसी फोल्डर में फाइल बनाना है, फाइल बनाने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जब क्लिक करेंगे एक फाइल क्रिएट हो गया जिसका बाई डिफॉल्ट क्या है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. जैसे हमको नाम चेंज करना है तो हम क्या देंगे, माई फाइल, ठीक है, माई फाइल बन गया नाम से. अब हम डबल क्लिक करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन को खोलना हो जल्दी जल्दी ये लेफ्ट क्लिक करना होगा दो बार, जल्दी जल्दी दो बार, तब ये ओपन होंगे. जब ओपन होगा तो हमेशा हमको राइट टॉप राइट में तीन ऑप्शन मिलेगा. हर एप्लीकेशन खोलने पर टॉप राइट पे तीन ऑप्शन मिलेगा, एक क्रॉस का, एक बॉक्स बना होता है, एक माइनस होता है. जिससे क्रॉस हो जाएगा मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. ये करेंगे तो इससे बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा होगा, बड़ा स्क्रीन में और इससे छोटा स्क्रीन में. इसको हम लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे तो एडजस्ट भी कर पाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है. इसको हम अपने हिसाब से
एडजस्ट भी कर पाएंगे। कहीं लेके जाना, इसको उठा के हमको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, लेके जाना लेफ्ट क्लिक से, ये लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना होगा, पकड़ लेना, जैसे कि हम लोग फोन में लेके अगर जा रहे हैं तो उनको पकड़ के रखना पड़ता है, ठीक है। अब मान के चलते हैं हमको कुछ लिखना है, सारा हार्डवेयर सही सलाह अरबी लिखना नहीं आता, वो तो स्किल पैदा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो फिर बनाना होगा, उसको वर्क करना पड़ेगा, तब 4-6 महीने के बाद 8 महीने के बाद अरबी लिखना हमको आ जाएगा। उसी तरह कोई किसी कंप्यूटर में कुछ नहीं होता है, वो डम होता है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसके ऊपर वर्क करता है, एनालिसिस करता है, बिजनेस लॉजिक लगाता है। जब बिजनेस लॉजिक लगाएगा और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तब वो एक सॉफ्टवेयर निकल के आएगा, एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है। जैसे वन ऑफ द फेमस सॉफ्टवेयर जो लोग कॉमन जो लोग यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट बहुत पुराना है, एटलीस्ट बोल सकते हैं 30 साल पुराना। वो क्या है, अब उसका जो सॉफ्टवेयर है वो डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है, हर चीज अपग्रेड हो रहा है। आप पहले 10 साल जो पहले थे आप, अब वो नहीं हो, आप अपग्रेड हो गए, अब यहाँ पे आए हो तो सीखने के लिए, अब आपको अपग्रेड करने के लिए अपना एक नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आए। जस्ट लाइक कंप्यूटर भी बिहेव करता है इंसान के, उसको इंसान नहीं बनाया, इंसान अपना बिहेवियर सोच करके उसको बनाया, उसको सेट किया, तब जाके वो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अभी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मशीन तो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता, लेकिन वो सारी चीजें सारा आउटपुट जो देता है वो तो ह्यूमन लैंग्वेज में आता है। अब गूगल असिस्टेंट को बोलिए आपको रिप्लाई करेगा, चैट जीपीटी को बोलिए आपको रिप्लाई करेगा, वो तो आपका तो लैंग्वेज जानता नहीं है, कैसे रिप्लाई करेगा। होता क्या है, जब आपका लैंग्वेज किसी सामने वाले को नहीं पता है तो बीच में ट्रांसलेशन लगाएगा, इसको बोलते हैं ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये विंडोज कंपनी का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर को हार्डवेयर से और एप्लीकेशन से दोनों को कनेक्ट कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यानी हार्डवेयर कैसे काम करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा चीज प्रोग्राम किया हुआ है, सारा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, ठीक है। जैसे कि पता नहीं है मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉर्मली एंड्रॉयड होता है, ठीक है। एंड्रॉयड जो होता है उसमें क्या होता है, कैमरा का ऐप में जाते हो तो कैमरा ऑन हो जाता है, तो कैमरा तो एक हार्डवेयर चीज़ है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो रहा है, कैसे ऑन हो जा रहा है। स्पीकर और कुछ ऑडियो चलाते स्पीकर बजने लगता है, तो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से जो जुड़ता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें क्या है, यहाँ पे नाम विंडोज आप रीड करके बता रहे एक्सपीरियंस हुआ, ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, ये लगा, ये जस्ट लाइक अ कंप्यूटर मेमोरी। अभी हम जो काम कर रहे हैं, अभी कंप्यूटर जैसे स्टार्ट हुआ प्राइमरी मेमोरी ऑन होगा, ऑन करना शुरू कर देगा, फिर क्या होगा कि
एप्लीकेशन खोलें, चाहे हम गूगल प्रो यूज़ कर रहे हो, चाहे यूट्यूब यूज कर रहे हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट यूज करो, कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हो, वो अभी इंस्टेंट चल रहा है मेमोरी में। जैसे हमने कुछ काम किया, कुछ हमने लिखा, कुछ हमने चीज बनाई, तो सेव किया, सेव करके चला जाएगा सेकेंडरी में। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है कंप्यूटर में रैम है, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। सेकेंडरी मेमोरी एग्जाम्पल है जैसे हार्ड डिस्क या फिर SSD हो गया। यहाँ पे क्या है, लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था कि हार्ड डिस्क और SSD जस्ट लाइक आपका अलमीरा, हमारे घर में अलमीरा हमारी है, उसमें बहुत सारे सामान रखे हुए, बहुत सारे फाइल्स, ठीक है, या आपके कॉलेज के लाइब्रेरी में जाइए, स्कूल के लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे कई सारे बुक्स रखे हैं, तो आप लाइब्रेरी के अलमीरा में जितना बुक्स रखा हो आप कब नहीं निकाल देते, आपको उस वक्त जिस बुक का जरूरत है वही बुक आपके पास। कंप्यूटर में क्या, जिस फाइल का आपको जब जरूरत होता है वो जब आप ओपन करते हो तो वो फाइल सेकेंडरी मेमोरी से ओपन करके प्राइमरी मेमोरी में आया, इस तरह से लाइब्रेरी से आप उसको उठा करके अपना डेस्क पे रखते हो। डेस्क पे रखने का मतलब क्या है, अभी हमको पढ़ना है, अभी हम उस पर काम करना है, फिर क्या होता है वैसे ही फाइल उठ करके आपका सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी आया। और रैम में कोई चीज काम चल रहा है, इंस्टेंट काम चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने सेव नहीं किया। रियल एग्जांपल देता हूँ कि फिजिकली यू ऑल आर प्रेजेंट बट योर माइंड एब्सेंट, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नहीं सेव कर पाओ। उसी तरीके से कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी में काम चल रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, लेकिन आपने सेव ही नहीं किया तो क्या होगा, वो स्टोर नहीं होगा बल्कि वो खत्म हो जाएगा। आप यहाँ आपने अगर सही से नहीं सुना, सही से नहीं समझा तो निकलोगे यहाँ से, एक कान से सुना दूसरा से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इंशाल्लाह। और कंप्यूटर बहुत ईजी है। ठीक है, ये जैसे डाला, अब दो तरीके से नॉर्मली काम करता है। एक तरीके से काम करता है कीबोर्ड शॉर्टकट से, और एक तरीके से काम करता है विंडोज के जो ऑप्शन है वहाँ से काम करेगा। तो यहाँ के ऑप्शन से फाइल में हम जाएंगे तो देखिए सेव करने का एक ऑप्शन है, फाइल में हम गए यहाँ पे देखेंगे सेव करने का ऑप्शन, ठीक है, और उसके बगल में देखिए आ रहा है CTRL यानी कंट्रोल ये वाला और प्लस एस, तो ये बोल रहा है कि आप या तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो गया, और अगर आपको ऑप्शन में जाके नहीं करना है तो आप शॉर्टकट की यूज करके कंट्रोल एस करिए तो ये सेव हो जाएगा। हाँ, दोनों को साथ में, ठीक है, प्लस है मतलब साथ में करना है, तो कंट्रोल और प्लस एस दोनों को साथ में करेंगे तो ये सेव हुआ। अब इसको क्लोज करेंगे तो अब वार्निंग नहीं दिया मुझे सेव करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेव कर चुका हूँ। अब मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, देखिए मेरा जो भी काम था वो सेव हो गया।
अब मैं इसको 10 साल के बाद भी खोलूंगा तब भी यही दिखा रहेगा, क्योंकि मैं इसको प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अभी हमारा जो मेमोरी काम कर रहा है वो प्राइमरी मेमोरी काम कर रहा है, क्योंकि इंस्टेंट ब्रेन का जरूरत है। अभी इंस्टेंट आपको जो मैं आपको इनपुट दे रहा हूँ आपको जल्दी नहीं लेना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा, कुछ टास्क मिला आपको टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, कैलकुलेशन दी गई आपको करना पड़ेगा, कुछ भी ट्रायलिंग। तो वो अभी प्राइमरी मेमोरी काम कर, प्राइमरी मेमोरी जब काम हो जाए, जब आप यहाँ से निकलना शुरू करो ये सेम होके चला जाएगा आपका सेकेंडरी। अगर पेज अगर बड़ा है, अभी यहाँ तो कुछ और का जरूरत नहीं है, पेज बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज बड़ी है, तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करेंगे तो बीच वाला हम घुमाएंगे तो इसे स्क्रॉल होगा। ठीक है, किसी पे टच करना जाना है तो हम अगर डबल क्लिक करेंगे ये वाला लेफ्ट वाले पे तो वो चीज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये ओपन हो गया, और राइट वाला जो होता है वो ऑप्शन डी होता है। अब डेस्कटॉप में जो राइट क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में बहुत सारा ऑप्शन आता है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी जो अभी अभी काम कर रहा है, अभी जो मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ चल रहा है या अभी आप कुछ भी टास्क कर रहे हो, वो टास्क करने में जो जितना ब्रेन पावर लगेगा, जितना दिमाग का इस्तेमाल लगेगा, वो प्राइमरी मेमोरी वो अभी चाहिए, वो रिसेंट चाहिए, मतलब इंस्टेंट, थोड़ा सा डिले होगा प्रॉब्लम हो जाएगा, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मेमोरी के लिए प्राइमरी मेमोरी।